हाय गाइस, तो बनाते हैं आज अचार गोश्त शान का। शान के मसाले वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट दिया हुआ है आपको क्या चाहिए, और नीचे मेथड दिया हुआ है कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ग्रीन चिलीज चाहिए हम लोगों को, और लेमन चाहिए, और शान का ये अचार मसाला, ये सारे एक चम्मच मसाला लेना है हमें, और जो भी ग्रीन चिलीज है उसे बीच में से स्लिट करना है, और ये मसाले को फिल कर देना है उसमें अच्छे से, और इसे साइड में रख देना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चिलीज ले सकते हो। इस पर वो लेमन डाल के रखना है ताकि वो खट्टापन आ सके। इसको मैं सबको अच्छे से मिला ले रही हूँ, और मैंने शान का ही जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया, मुझे उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है। तो ये हो गया, ये अच्छे से फिल कर देना है। अब हम लोग लेते हैं कुकर, इसमें डालेंगे ऑयल। ये मैं मटन ले रही हूँ जो 1 किलो से थोड़ा कम है। ये मैं ऑयल में पहले मटन डाल के इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ पूरे तरीके से, और फिर उसके बाद में इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। इसको अच्छे से पहले मिला लेना है तेल में। आप तेल अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, उस पर लिखा भी है कितना चाहिए। मैंने 2 बड़े चम्मच भर के तेल ली हूँ, मैं ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। तो ये मैं अच्छे से मिला ली हूँ। इसके बाद मैं डाल रही हूँ शान का ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। या मेरे पास गार्लिक पेस्ट अलग है, जिंजर अलग है, और शान का जिंजर गार्लिक मिक्स भी आता है। तो ये मैंने पहले गार्लिक एक चम्मच से थोड़ा कम डाल लिया, और फिर जिंजर भी उतना ही डाल ली, और सबको अच्छे से मिला ली मैंने। ये डालने के बाद ये काफ़ी टेस्टी बनता है। आपको इसमें दही भी लगेगी तो आप आधा कप भर के दही डाल देना छोटा सा। और ये दही डालने के बाद हमें सबको अच्छे से मिला के भून लेना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ज़्यादा ही टेस्टी ये शान का अचारी गोश्त बनेगा। और अगर आपको और तीखा खाना है तो आप और इसमें चिली विली ऐड कर सकते हो। जो बाकी का शान का अचारी गोश्त बच गया था मसाला, अब मैं इसमें डाल दूंगी। मेरा गोश्त 1 किलो से कम है तो मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ। अगर आपका गोश्त 1 किलो या 1 किलो से ज़्यादा है तो आप पूरा पैकेट डाल सकते हो। मेरा गोश्त कम था तो इसलिए मैंने इतना ही डाली, और ये इतने में ही काफ़ी अच्छा बन गया था। इसको डाल के अच्छे से मिला लेना है सबको, और अच्छे से भूनना है 3 to 4 मिनट्स। जितना अच्छा भूनोगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, और ये काफ़ी अच्छा बना था। कुछ अलग टेस्ट का सालन था, ये अलग टेस्ट की ग्रेवी थी, और खट्टा था, तेज़ था, और बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है। और अगर आप तीखा खाते हो तो आपके लिए परफेक्ट है ये। ये सबको अच्छे से मिला लेना है हमें, इसमें और कुछ नहीं डालना। तो सॉल्ट वॉल्ट बस इसे मिला के पानी डालना है, और इसे 2-3 सीटी लगा लेना है। और उसके बाद इसमें आप टमाटो डाल सकते हो, अगर आपको डालना है तो टमाटो प्यूरी और या चॉप टमाटो आप इसमें डाल सकते हो। और इसको जितना गोश्त गले उतनी सीटी लगाना है, और फिर बाद में ये खोलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। ये इतना टेस्टी अचारी गोश्त था, आप इसे रोटी और नान के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। लास्ट में मैंने ये मिर्ची डाल दी थी इसमें, तो ज़रूर ट्राई करना।